टाइम काफी भारी आने वाला है, क्योंकि उस परिस्थिति में हस्बैंड साथ नहीं दे पाएंगे। उनके पास बाहर काफी इंटरटेनमेंट के जरिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होर सारे किदा चंगे, चलो खुश रहो ते मस्त रहो। और ये है मॉर्निंग का टाइम। अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो धूप में तो आना ही पड़ता है, और अब धूप भी कभी निकलती है कभी नहीं निकलती। तो फिर मैंने सोचा आज थोड़ी धूप निकली है और सब्जियां भी काफ़ी सारी आई हैं और उन्हें साफ़ करने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो नहा के फ्री होके और अब ऊपर ही बैठते हैं और यहीं सब्जियां साफ़ कर लेते हैं। कुछ धूप का भी मज़ा हो जाएगा और कुछ काम भी हो जाएगा। और अब मैं पहले करूँगी मेथी साफ़, क्योंकि मेथी अब बना लूँगी जल्दी जल्दी। तो फिर मेथी साफ़ करते हैं और उसके बाद साग और पालक साफ़ करूँगी। और पालक की तो इस बार बहुत ही चीज़ें बनने वाली हैं, जैसे कि पालक पकौड़े बनाऊँगी और मेथी के भी पराठे बनाऊँगी, साग बनाऊँगी, गोभी और पालक के पकौड़े बनाऊँगी। तो ये सब चीज़ें जब विंटर में आती हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत सारी वैरायटी बनाने को और खाने को भी मिलती हैं। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि किस किस को सर्दियों के मौसम में इस तरीके की चीज़ें खाना पसंद है और कौन कौन कैसे बनाता है। और अब मैं करूँगी ये मेथी साफ और फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ इसको। और ये रहा मेरा साग, पालक साग, इसको भी साफ करके काटना है। टाइम काफ़ी लग जाता है इन सब्जियों में। सर्दियों में एक तो दिन वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, दूसरा फिर इनको काम करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। और मेरी तरह ये बिल्ली भी छत पे आराम से धूप सेक रही है मज़े से और अपने आप अपनी मसाज भी कर रही है। इसने यहाँ आके अपने बच्चे छुपा रखे थे और ये यहीं ढूंढती रहती है। और ये जो बिल्ली है इसके बच्चे छोड़ के चले गए हैं और दो तीन दिन से ये काफ़ी परेशान हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया ही था। तो इस बिल्ली की स्टोरी हम लोगों से कुछ मिलती जुलती ही है, क्योंकि जिस एज में हम अब आ चुके हैं तो मुझे भी कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि अब आने वाला टाइम हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम में आ सकता है। हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं क्योंकि बच्चे अब सब बड़े होते जा रहे हैं और किसी के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, कोई जॉब पे चला गया है, कोई आउट ऑफ कंट्री किसी के जाने की तैयारी हो रही है और बच्चे सबके पास एक एक या दो दो ही हैं। तो बच्चे जब दूर चले जाएंगे तो हम जैसे माँ बाप का क्या होगा। लोगों का ज़माना और था, जैसे माँ बाप ने कहा हमने उसी हिसाब से अपना लाइफ उनके लिए दे दी और उनके हिसाब से हमने चला ली। लेकिन इस टाइम पे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि सब बच्चे या तो बाहर जा रहे हैं और या फिर जॉब पे जा रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है हम लोगों के लिए कि माएँ घर में अकेली क्या करेंगी, क्योंकि जेंट्स तो बाहर अपना टाइम पास कर ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लेडीज़ के लिए आने वाली है। और एक्सपीरियंस क्या, मतलब मुझे आइडिया हो रहा है कि हम लेडीज़ का क्या होगा। और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं, क्योंकि अकेलापन हमें जीने नहीं देगा। और जब बच्चे घर में नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे सारा दिन। इसीलिए मेरा कुछ कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अभी से कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसी चीज़ें ढूंढ लेनी चाहिए जिससे कि हम उस अकेलेपन से बच जाएं और डिप्रेशन में जाने से बच जाएं और खुशी खुशी अपना ये टाइम पास करें। क्योंकि हम इतने अब स्वार्थी भी नहीं हो सकते कि अपना मन लगाने के लिए हम बच्चों की लाइफ या फ्यूचर के लिए कुछ ना सोचें। उन्हें अपनी मर्जी का ही हमें करने देना पड़ेगा, वरना वो सारी उम्र हमें एक ताना ही देते रहेंगे। तो मेरा ये बात करने का मतलब यही है कि हम लोगों को, लेडीज़ को खासकर जो हमारी एज ग्रुप की हैं और जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा और अपना मन बहलाने का काम करना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करना होगा कि जो जो जिसको पसंद है उसको अपना टाइम पास करने के लिए वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा, या अपना कोई सर्कल बनाना पड़ेगा और कोई सत्संग घर जाएगा, कोई किटी पार्टी स्टार्ट करेगा, या कोई पढ़ना लिखना स्टार्ट करेगा, या कोई नई हॉबी डेवलप करेगा, कुछ भी करेगा। मतलब उस उदासी से और अकेलेपन से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अब अपना जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई गार्डनिंग में मन लगाएगा, कोई रिश्तेदारों के यहाँ रोज़ रोज़ भी नहीं जाया जाता, और बच्चे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं और उनके पास ये हकीकत है, मैं आज ये बात खुल के बोल रही हूँ कि उनके पास टाइम नहीं हो पाएगा हमारे लिए, और हमें उन्हें इतना डिस्टर्ब भी नहीं करना। तो फिर कहीं ना कहीं हम सब लेडीज़ को अपने अपने बारे में, अब अपनी खुशियों के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमें कैसे टाइम पास करना है, कैसे खुश रहना है बच्चों के बगैर। और जिनके बच्चे खैर घर में ही रह जाएंगे, उनका बिजनेस संभाल लेंगे, या बेटियों की जल्दी शादी हो जाएगी, उनके लिए तो ये बहुत आजकल सौभाग्य की बात है कि वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बच्चों को हैंडल कर पाएंगे। बाकी आजकल तो यही है, आ चुका है ऐसा ही माहौल कि सबको आज़ादी है अपना अपना फ्यूचर प्लान करने की, उसमें माँ बाप नहीं रोकेंगे किसी को भी, क्योंकि उनकी सारी उम्र का सवाल है। और ये बात मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से सुन लिया है, उनका हाल देख लिया है, वो लोग बीमार हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो वो कंडीशन आज नहीं तो कल हमारी भी आ ही जानी है। इसीलिए हमें उसके लिए पहले से ही थोड़ी सी तैयारी कर लें तो शायद हम उस हालात से बच जाएं। कंप्लीट तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन जितनी कोशिश की जा सकती है उतना तो हम अपना थोड़ा सा कर ही लें कि डिप्रेशन में जाने की जो हालत है, मैं बहुत ज़्यादा भुगत चुकी हूँ। लगभग मैंने उस चीज़ को 2 साल झेला है, इसीलिए मुझे वो प्रॉब्लम की सब चीज़ें पता हैं, डिप्रेशन की वो सब चीज़ें पता हैं कि उस टाइम किस हालात से गुजरना पड़ता है, और फैमिली वालों पर भी क्या असर पड़ता है, बच्चों पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि जिन दिनों मैं डिप्रेशन में गई थी उन दिनों बहुत ही अजीब अजीब हरकतें मैंने कर डाली, जिसके कारण सारे लोग बहुत परेशान भी हुए, लेकिन फिर फैमिली वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा, मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट 2 साल तक चला, और मैंने फिर खुद भी बहुत कोशिश करी उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, तब जाके कहीं मैं उस डिप्रेशन से निकली हूँ। और आज भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अकेलापन जब फील होता है तो मैं उसी स्थिति में जाने लगती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने आप को वापस लाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, और बहुत कुछ मुझे अपने लिए करना पड़ता है कि मैं उस कंडीशन में फिर से ना चली जाऊं। इसीलिए सभी लेडीज़ को मेरा ये मैसेज है जिनके बच्चे जॉब पर जाने वाले हैं या आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, कि वो अपनी अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हस्बैंड सभी का साथ नहीं देते। उन्हें बहुत बाहर की अपनी सारी सोसाइटी मिल जाती है, फ्रेंड्स सर्कल मिल जाता है, उनका टाइम बहुत आसानी से पास हो जाता है, मगर हम लोग घर में अकेले पड़ जाते हैं। इसीलिए हम सबको अपना अपना ख्याल रखना पड़ेगा खुद ही, और अपना जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा खुश रहने का खुद ही। क्योंकि बिल्ली का भी मैंने हाल देख लिया है, उसके बच्चे चले गए और वापस नहीं आए, वो सारी सारी रात रोई है, वो इतना रोती है कि वो उसकी रोने की आवाज़ सुन के मैं भी रात को कई बार उठती हूँ और नहीं सो पाती। तो उनको भी बच्चे छोड़ के चले गए, जाना सभी ने है, किसी ने जॉब के लिए, किसी ने शादी करके, तो क्यों ना फिर हम लोग भी अपने लिए कुछ तैयारी करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। रोज़ रोज़ मुझे कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी और ये कहना पड़ रहा है तो मेरे से बहुत मुश्किल से ये निकलता है, लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। वैसे भी आजकल मेरी वीडियो बहुत कम बनने लग गई हैं और अभी नहीं मैं बना पा रही, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और उन लोगों का बहुत बड़ा वाला थैंक्स है मेरी तरफ से जिन लोगों ने मुझे अभी तक इतना सपोर्ट किया है और मेरे सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं। हम तुहाडे नाल गल्ला करते करते हो गई है बड़ी देर, ते मेरी रोटी सब्जी हो जानी है लेट, फिर मैनू डांट पौनी है, उन्हें कहना कि तेनू बस काम ही यो है, तो फिर मैं चलनी हाँ थले फटाफट, क्योंकि ये काम तो मैं सारे कर ले ने, ते मेथी भी मैं काट ली है, फटाफट जाके बनानी है मैं मेथी, फिर अगे तो देखनी है की करना है।
और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय देव भी मांग रहा है और मेरा भी मन कर रहा है, क्योंकि मैंने उबाल ली हैं आज शकरकंदियाँ साथ में, तो सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती हैं। और आज मैंने इनको बॉईल किया है, फिर कभी मैं तवे पे सेकूंगी, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और चाय मेरी बन रही है, शकरकंदी मैंने काट ली है और साथ में लूँगी पिन्नी। पिनियाँ मैंने बनाई हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से इस बार इसकी रेसिपी नहीं दे पाई, और अगली बार जब भी अब मैं पिनियाँ बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बस फिर अब लेती हूँ मैं शाम की चाय। तो बस चाय हो गई रेडी, साथ में ये और साथ में पिन्नी, मेरी फेवरेट पिन्नी। चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, जितनी मर्जी खा लो दिन में। तो बस ठीक है, फिर इसी के साथ आज के वीडियो को मैं एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ।